हेलो बच्चों, मैं तेज पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। होप करता हूँ आप सब लोग सेफ होंगे और जितनी भी हमने पुरानी वीडियो डाली है इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो आप लोगों ने जरूर देखी होगी। तो उसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो नंबर 5 है। होप करता हूँ आप इसको भी बिल्कुल देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा घर है, तो हमारे घर में हम पे एक फोर्स अप्लाई होता है, किसका, पेरेंट्स का। और जब हम मान लेते हैं स्कूल गए तो हम पे एक और फोर्स लगता है, किसका, स्कूल का, ठीक है। तो जितने पेरेंट्स का तो लग ही रहे प्लस स्कूल का और लग रहा है, ठीक। तो हुआ, अब कैसे पता लगेगा स्कूल कितने एरिया तक है। तो जितने एरिया तक हम वो एडिशनल फोर्स फील कर रहे होंगे उसी को तो हम स्कूल बोलेंगे। यही चीज यहां भी है, हमें तो जितने एरिया में कोई एक चार्ज एडिशनल फोर्स फील करेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे, ठीक है। समझ में आ गया इसका डिस्क्रिप्शन छोटा सा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू लोकेटेड इन स्पेस। देख रहे हो आप, लेफ्ट साइड में आपको एक चार्ज क्यू दिख रहा है जिसका अपना एक स्पेस है, ठीक है। इफ वी ब्रिंग अनदर चार्ज क्यू नॉट नियर टू द चार्ज क्यू, अगर हम क्यू नॉट चार्ज को हम क्यू के पास में लेकर के आए, ठीक है, तो क्यू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द चार्ज क्यू। तो क्यू नॉट जो है वो एक फोर्स फील करेगा, किसके वजह से, क्यू चार्ज की वजह से। फोर्स क्यों फील करेगा, क्योंकि क्यू चार्ज अपने चारों तरफ अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके बैठे है। तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू इज सेड टू बी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई बात, ये चीज मैंने भी बताई थी। यही है हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की छोटी सी डेफिनेशन या इसका डिस्क्रिप्शन या जो भी आप समझ लीजिए। ध्यान रखना, डायरेक्ट इसका एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाने वाली, ठीक है। अब ये जो क्यू और क्यू नॉट है ये दोनों अलग अलग चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं एक को क्यू वन और एक को क्यू टू मान लू, नहीं। एक आपको क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री जो भी मानना है क्यू को मान सकते हो, लेकिन इधर जो क्यू नॉट है ना इसको हमें क्यू नॉट ही मानना है हमेशा। क्यों मानना है भाई, अभी भी देखते हैं है क्या। देखो ऐसा है कि जैसे Q है, ठीक, तो Q का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर Q, सोचो जरा, Q नॉट का भी अगर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता, वो जब इसके पास जाता दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करते और न्यूट्रल करने की कोशिश करते, ठीक है। तो जो एक्चुअल में फोर्स फील करना चाहिए था Q नॉट को, वो तो फील कर नहीं पाएगा। वो कितना फील करेगा, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस, ये तो होगा ना। इस वजह से हम क्यू नॉट के प्लेस पे क्यू नॉट एक ऐसा चार्ज लेते हैं जिसकी वैल्यू काफी कम क्या, लगभग नेग्लेजिबल हो, और इतनी कम हो कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही ना कर पाए। और अगर करता है, इनकेस करता है, तो इतना छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जिसका इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। ये क्यू नॉट की बात, और क्यू नॉट का नाम होता है टेस्ट चार्ज और क्यू का नाम होता है सोर्स चार्ज। तो नोट में लिखा हुआ है द चार्ज क्यू इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज एंड द चार्ज क्यू नॉट इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज, ठीक है। द सोर्स चार्ज मे बी पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि पूरा मतलब उस पर जो चार्ज है ना वो आपको एक ही चार्ज फील हो, ठीक है। जैसे ऐसे कह लो कि कुछ लोग सर्कल में बैठे हुए, ठीक है, अगर आप उनको दूर से देखो तो क्या दिखेगा, वो इतने सारे लोग नहीं, एक ही लोग वहां पे बैठे, अगर काफी दूर से देखा जाए तब की बात हो रही है, ठीक, वैसे यहां पे भी है। और अगर यही टेस्ट चार्ज, मतलब जो पेयर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए, नंबर ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। चलिए तो ये नेक्स्ट इसी पे इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कह रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन ए स्पेस
इन द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब ये समझ लो कुछ की इंटेंसिटी मतलब पावर की बात समझ लो निकालना चाह रहे हैं, तो वो क्या होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। बस आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, डेफिनेशन नहीं आएगी, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं तो किस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन, चार्ज की क्या होती है कूलम, तो यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन की बात करें तो आपने 11th क्लास में निकालना सीखा होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ सिर्फ, डायमेंशन कितनी हो जाएगी एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ध्यान रखोगे आप कि अब इस साल से एमसीक्यूज भी स्टार्ट हो गए हैं, तो कभी कॉन्सेप्ट तो पूछेगा ही पूछेगा नो डाउट, कभी कभी क्या करता है वो फॉर्मूले भी पूछ लेगा कि भाई इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, तो इसलिए आपको फॉर्मूले यूनिट, जैसे इस बार का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि न्यूटन पर कूलम इज यूनिट ऑफ, ठीक है सिंपल से स्टेटमेंट दे दिया कि न्यूटन पर कूलम जो यूनिट है वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी की होती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा आंसर डायरेक्ट लगा बोल दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और डायमेंशन आपके सामने लिखी है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब क्या हुआ कि पॉइंट चार्ज का मतलब एक पॉइंट पे हमने चार्ज प्लेस किया है, ठीक है, कोई एरिया कवर करते हुए नहीं रखा है, सिंपल एक पॉइंट पे चार्ज रखा है, उससे एक कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, वहां पे पॉइंट पी है, मतलब ए पॉइंट पे कहीं आप कॉपी पे एक डायग्राम बना सकते हो, कॉपी पे जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। तो ओ पर क्या है, ओ पर हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, क्लियर, उससे कुछ डिस्टेंस पर P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक, समझ में आएगी बात। तो होगा क्या, तो अभी पहले यहां पे देख लेते हैं, तो वही चीज यहां पे लिखी है, सपोज ऑन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओ ऑन इन अ मीडियम, देयर इज अ पॉइंट पी डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी डिटरमाइन, हमें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो दो चार्ज आपको दिख गए क्यू और क्यू नॉट, तो इनके बीच सीधी बात है जब दो चार्ज है, भले क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज और बहुत ही छोटा होगा, बट दोनों के बीच में फोर्स तो लग सकता है, क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है, बट फोर्स तो लग सकता है, तो हमने यहां से क्या निकाला, फोर्स इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जैसे वहां पे Q1 Q2 था, Q1 इज Q एंड Q2 इज Q नॉट, क्लियर। और E इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q नॉट, तो F की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और उसके अपॉन में Q नॉट डाल दिया, तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मेन फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड मैक्सिमम, अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आते हैं। नोट में दो पॉइंट लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज, वो चार्ज से चेंज नहीं है, चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज अनडिफाइंड, मीनिंग अगर कोई बोले इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चार्ज का अपने जहां पर वो रखा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आंसर जीरो का। जैसे सुनिए लाइन हिंदी में, चिराग तले अंधेरा, जहां दिया है उसके जस्ट नीचे तो अंधेरा ही रहता है, वही यार इधर है कि जहां चार्ज है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, समझ में आ गई बात, क्लियर है, तो होप करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो इसको भी देखना, नोट जरूर बनाते रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर ये फर्स्ट चैप्टर समझ में नहीं आया तो आपको सेकंड चैप्टर भी नहीं आएगा, और इसका नेक्स्ट लेवल जो थर्ड चैप्टर है वो नहीं आएगा, और थर्ड नहीं आया जिसमें करंट की बात करेंगे तो मैग्नेट में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैग्नेट नहीं आया तो फिर आगे कभी नहीं आएगा, ठीक। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जब तक आप
प्रीवियस चैप्टर नहीं समझोगे तब तक नेक्स्ट चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा, या तो फिर वही रटने वाली बात हो जाएगी। तो कोशिश करो समझने की, जो भी डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर बताइए, उसका हम नेक्स्ट वीडियो बना के आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, गुड लक।